फ्रेंड्स, 13 अगस्त 1947 को रात 11:59 पर मुस्तफ़ा अली हमदानी ने लाहौर रेडियो स्टेशन से पाकिस्तान बनने की खबर शाया की। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे और पहले वजीर आजम लियाकत अली खान। पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल राशिद थे। पाकिस्तान का झंडा सैयद अमीरुद्दीन ने डिजाइन किया था। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज जलंधरी ने लिखा था। 1947 में पाकिस्तान यूएन का मेंबर बन गया था। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया गया और 1948 में ही पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद को रिलीज किया गया था। 1952 में पाकिस्तान के इलाके सुई के मकाम से सुई गैस दरियाफ्त हुई थी। 1954 में उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जुबान का रुतबा दिया गया था। 1955 में PIA को लॉन्च किया गया था। 1958 में पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ लगाया गया था और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। 1960 में पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल हॉकी के मैच से जीता था। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी और ये वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। 1967 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल बना। 1969 में पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल याहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। 1971 में मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश की सूरत में एक अलग मुल्क बना। 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें वजीर आजम बने। 1977 में जियाउल हक ने पाकिस्तान में तीसरा मार्शल लॉ लगा दिया। 1979 में डीपोज्ड प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम साबित होने पर इन्हें अडयाला जेल के अंदर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 1980 में सोवियत अफगान वार ने आग पकड़ी और इसी साल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इस जंग में इन्वॉल्व हुई। ISI ने सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में धजियां उड़ाकर रख दी और 1980 से ही पूरी दुनिया को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की पावर का अंदाजा होना शुरू हुआ। 1981 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की फ्लाइट 326 को हाईजैक कर लिया गया, जिसे बाद में SSG कमांडोज की मदद से बाहिफाजत बचा लिया गया। 1988 में जनरल जियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई और इसी साल बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। 1990 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 1991 में जहांगीर खान मुसलसल 10वीं बार ब्रिटिश ओपन टाइटल जीत गए। 1992 में पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया और 1992 में ही आलम चन्ना ने दुनिया के सबसे दराज कद होने का एजाज अपने नाम किया। 1993 में बेनजीर भुट्टो फिर से वजीर आजम बन गई। 1997 में नवाज शरीफ दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और न्यूक्लियर पावर बनकर दुनिया के सामने उभरा। 1999 में पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ लगा और जनरल परवेज मुशर्रफ इक्तदार में आ गए। 2005 में पाकिस्तान के अंदर खौफनाक जलजला आया और इस जलजले ने हजारों लोगों की जान ले ली। 2007 में बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के अंदर एक जलसे के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतकर इक्तदार में आ गई। 2010 में पाकिस्तान को सैलाब ने आन घेरा और तकरीबन 2 करोड़ लोग मुतासर हुए। 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बने। 2022 में पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई और इन्हें इक्तदार से हटा दिया। 2023 में नून लीग के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम हैं।